and receive officials, ministers and other personnel to learn and share their knowledge, experience and skills for public welfare. The agreement is not legally enforceable. Signed on the 26th day of April 2022 in Delhi in two originals in English language. To be signed by Honorable Chief Minister of Delhi, Shri Arvind Kejriwal ji, and Honorable Chief Minister of Government of Punjab, Shri Bhagwant Mann ji. Thank you so much. May I request the dignitaries to sign the agreement, please. Thanks. अरे भैया कौन है? ओ भैया हिला मत भैया, आराम से यार, अंदर उतर अल्लाह भाई। केबल केबल ना की केबल बता, केबल देखो इस पे पैर मार। तो विशेष रूप से पंजाब के लोगों को लाख लाख बधाइयां। एक दिन शुरुआत होने जा रही है, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। और हम दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी अब अग्रीमेंट जो है वो एक्सचेंज करेंगे। राधा आप देख सकते हैं कि हस्ताक्षर उस पर हो चुके हैं अब, और एक नई सौगात नई भेंट पंजाब के लोगों को दिल में जा रही है। हम दोनों माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रेस से मुखातिब होंगे, उनको एड्रेस करेंगे। अभी अभी हम लोगों ने दोनों सरकारों ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ने नॉलेज शेयर एग्रीमेंट साइन किया। मैं समझता हूँ कि ये अपने भारत के इतिहास में एक बहुत यूनिक किस्म का इंसिडेंट है कि सरकारें आपस में एक दूसरे से सीखने के लिए एग्रीमेंट साइन कर रही हैं। ये कहना गलत होगा कि केवल हमारी सरकार ने आज तक अच्छा काम किया। अभी तक 75 साल में ऐसे बहुत सारे वाक्ये हैं जब अलग अलग सरकारों ने, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने, अलग अलग पार्टियों की सरकारों ने अलग अलग समय के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे काम किए। देर आर सेवरल आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड डिफरेंट ज्योग्राफीज, लेकिन एक कमी रह गई जो मुझे लगता है कि पूरे देश ने उनसे बड़े स्केल के ऊपर सीखने का हमने आपस में काम नहीं किया। हम आपस में राज्यों में बटे रहे, हम आपस में पार्टियों में बटे रहे, हम आपस में एक दूसरे से सीखा नहीं हम लोग। सो वी केप्ट ऑन री इन्वेंटिंग द व्हील। ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर और आस के अंदर जो अच्छा काम हुआ देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दो दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ, उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग। कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे, और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किया जाए। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे, उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार, उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट एक मील का पत्थर है अपने भारत के इतिहास में और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और मान साहब अपनी पूरी टीम के साथ दो दिन के दौरे पे हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि उनके क्या एक्सपीरियंस रहे, वो भी थोड़ा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
देश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री, देश के क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री मनीष जी, क्रांतिकारी हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली के जितेंद्र जैन जी, पंजाब सरकार के न्यूली अपॉइंटेड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला जी, एजुकेशन मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेयर, चीफ सेक्रेटरी दोनों स्टेट के, और जितने भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया सारा पंजाब से, दिल्ली से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिस भी मंच को आप रिप्रेजेंट करते हैं, सबका स्वागत है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, इसको आप हिंदी में लिखना हो तो ज्ञान का आदान प्रदान, पंजाबी च कहना हो ज्ञान का तबादला। आपस के सियाने कहते कि चंगी चीज जितों भी मिले सीख लेनी चाहिए, हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए, सीखने लिए तैयार। कई बार छोटे बच्चे से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कई बार बुजुर्गों का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। कल हमने मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल और हॉस्पिटल देखे, और क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब मैं विचरता था तो पूरी दुनिया में शोज वगैरह करने के लिए जाते थे, तो हमने कनाडा अमेरिका के हॉस्पिटल, उनके स्कूल भी देखे हैं। लेकिन जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिल्ली में, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का दिल्ली में देखा गया, इसी लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाके यहाँ से सीख के पंजाब में लागू करना चाहते हैं। पंजाब में 19,000 से ज़्यादा स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल, और 23,00,000 के आसपास बच्चे हैं। यहाँ पर 18,00,000 बच्चे हैं 1,000 से 1,100 स्कूलों में। तो हमारे पास स्कूलों की ज़मीन, पंचायत की ज़मीन, बहुत कुछ पड़ा है। हम बड़े बड़े प्लेग्राउंड बना सकते हैं। पंजाब स्पोर्ट्स के लिए पहले जाना जाता था, उसके बाद कुछ सरकारों ने ऐसा किया कि पंजाब जो है उसको नज़र लग गई, और पंजाब के हॉस्पिटल जो हैं उनका बहुत बुरा हाल है। डॉक्टर्स हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं एमपीलैड से कोरोना के समय वेंटिलेटर देता था तो वेंटिलेटर हमें किसी बड़े हॉस्पिटल को दान देना पड़ता था, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ वेंटिलेटर चलाने के लिए डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है। मैं एसी और वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जी कोई फ़ायदा नहीं, हमारे पास ड्राइवर नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है, जो एनेस्थीजिया का चाहिए एक, उसके लिए वेंटिलेटर के लिए वेंटिलेटर ऑपरेटर डॉक्टर चाहिए। तो यहाँ आके देखा कैसे 12-12 ऑपरेशन थिएटर्स एक लाइन में, कल राजीव गांधी हॉस्पिटल में हम गए थे, कैसे जनरल वार्ड जो है वो आईसीयू से भी बढ़िया बना रखा है, कोई भी आके वहाँ जो है इलाज करवा सकता है। और किसी हॉस्पिटल से, हम 2-3 हॉस्पिटल में गए थे, मतलब आमतौर पे आप हॉस्पिटल में जाओगे सरकारी हॉस्पिटल में तो दवाई की वो आती है सुगंध, कुछ आपको सरकारी हॉस्पिटल पंजाब में तो जो एमआरआई मशीनें हैं उनमें कबूतरों के घोंसले भी हैं। नहीं ध्यान दिया गया,
ऐसे स्कूल हैं, स्कूलों को बाहर से बहुत चमका दिया गया और लिख दिया गया स्मार्ट स्कूल। बाहर से रंग करने से स्कूल स्मार्ट नहीं बनेगा, अंदर क्या सीख के आ रहे हैं बच्चे, हम इस पे ध्यान देंगे। क्योंकि कैंसर पर आयोडेक्स लगाकर आप उसका इलाज नहीं कर सकते, उसके लिए तो कीमोथेरेपी चाहिए। तो एजुकेशन और हेल्थ हमारा प्रायोरिटी है दिल्ली सरकार का भी, और हमने वादा किया जो पंजाब में उसमें भी। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, और नॉलेज लेने के लिए कुछ हमारे जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं जी ये तो पता नहीं पंजाब सरकार ने पता नहीं कौन सा एग्रीमेंट पे साइन कर दिए, ये तो जी पता नहीं क्या हो गया। ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है। खेती में खेती पंजाब में बहुत ज़्यादा एग्रेरियन स्टेट है, जो हम खेती में काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो यहाँ से खेती मंत्री या खेती के जो ऑफिसर्स हैं वो पंजाब आ सकते हैं, वो वहां से सीखकर दिल्ली में लागू कर सकते हैं। और इसके लिए सीखने के लिए कोई अच्छी चीज, हमें इटली भी जाना पड़े जाएंगे, हमें किसी और स्टेट में जाना पड़े जाएंगे, किसी और को आना पड़े आएंगे। सिंगापुर की कोलैबोरेशन से बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं दिल्ली में, हमारे टीचर्स को फिनलैंड, दिल्ली के फिनलैंड और कैम्ब्रिज भेजा गया सीखने के लिए, और उन्होंने आके यहाँ पे ऐसा कमाल के आइडियाज दिए, फुल ऑफ आइडियाज वहाँ से लेके, वो फुल ऑफ आइडियाज होके वहाँ से लैस होके आए और यहाँ के स्कूलों का कायापलट कर दिया। तो हमारा मकसद है पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना। हम भी कल हम गए स्कूल में, पूछा बच्चों से क्या बनना है, कोई कह रहा है मैं डॉक्टर बनना है, कोई मैं कह रहा है मैं जेई करूंगा, कोई कहता है मैं नीट में जाऊंगा, एक लड़की ने कहा मैं तो एनडीए में जाऊंगी, बड़ा अच्छा लगा। और एनडीए के लिए पंजाब जाना जाता था पहले, कि हमारे बहुत से जो जर्नैल, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े जो फौज में ऑफिसर्स पंजाब के। तो पंजाब को दोबारा पंजाब बनाना है, हमें कैलिफोर्निया, लंदन, पेरिस नहीं बनाना, हमें तो पंजाब ही वापस हो जाए हमारा, जो हंसता खेलता गिद्दे भंगड़े करदा मेलियां च जांदा, किसान खुश। आज किसान खुदकुशी कर रहा है पंजाब का, किसी को यकीन ही नहीं होता कि पंजाब का किसान भी खुदकुशी कर सकता है, क्योंकि कुछ किया ही नहीं, नाम का किया, ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हुआ, कर्जई हो गया किसान। हम खेती के लिए बहुत अच्छे आइडियाज लेके आ रहे हैं, हमारा वाटर लेवल जो है वो बहुत नीचे जा रहा है, उसके लिए हम बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग लेके आ रहे हैं। कल मैं पावर मिनिस्टर को मिला था, तो फसलों का विभिन्नता लाएंगे, और फसलें बीजेंगे जो पानी कम जिसमें वो इस्तेमाल होता हो। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट में हम हेल्थ, एजुकेशन, बिजली, जब 2015 में ओथ ली थी अरविंद केजरीवाल जी ने, तो देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली थी दिल्ली में, आज देश में सबसे ज़्यादा सस्ती है, और प्राइवेट कंपनियां हैं। हमारे यहाँ तो बिजली बनती है, दिल्ली तो बिजली बनाती भी नहीं है, तो कैसे किया, इसके लिए हम रोड मैप तैयार करेंगे। तो ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पे साइन करके मुझे आज बहुत खुशी हुई कि पंजाब के सुनहरे भविष्य के लिए, पंजाब दे सोने भविख वास्ते, चंगे भविख वास्ते, जो कि हिस्ट्री गल चलूगी तो साडा भी कितने छोटा मोटा नाम आऊगा कि इतों शुरुआत हुई सी, उस तो बाद पंजाब जोड़ा वो तरक्कियां दिया पौड़ियाँ चढ़ता गया। सो बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं सारे प्रेस वाले का धन्यवाद करना, तो जो कोई सवाल है तो तुम कर सकते। जो भी सानू चाहिए, जो भी हमें चाहिए आपस में करेंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा कुछ चीजें हमें सीखनी है पंजाब से, जिससे दिल्ली के लोगों की तरक्की हो, कुछ चीजें पंजाब सीखेगा दिल्ली से जिससे पंजाब के लोगों की तरक्की हो। हम सब लोग एक दूसरे से सीखेंगे तभी तो देश की तरक्की होगी। बिल्कुल बन पाएगा, आप इंतजार कीजिए, बिल्कुल बनेगा।
उसको भी करेंगे। जैसे दिल्ली में पिछले 7 साल में हमने लगभग 12 लाख रोजगार तैयार किए, इस बार हमने पूरा रोजगार बजट दिया जिसमें एक खाका तैयार दिया गया है जिससे 20 लाख रोजगार लोगों को दिए जाएंगे। मान साहब ने अभी नई नई सरकार संभाली है, थोड़ा वक्त दीजिए। ये भी इंडस्ट्री को भी हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, आइए माहौल देंगे आपको। आपसे कोई प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मांगा जाएगा, कोई माफिया राज खत्म कर देंगे तो यूथ को काम मिलेगा। तो हमारा यूथ जो है वो बहुत टैलेंटेड है, तो जॉब्स के लिए भी हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। और ड्रग्स के आपने बात की है, उसके लिए भी हम 3-4 लेयर एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं ताकि हम पंजाब को तंदुरुस्त पंजाब और हंसदा खेलदा पंजाब बना सकें। बिल्कुल, पैसा बजट जिहड़ा दो दिल्ली सरकार 25% बजट आप एजुकेशन ते ला रही है, साढ़े इतने 2% भी नहीं है। सो असी बजट माफिया राज खत्म करके बजट दे विच पैसा आऊगा। और बहुत सारे NRIs दे सानू फोन आ रहे हैं कि असी मतलब असी पिंड अडोप्ट करना चाहते हैं, कोई स्कूल अडोप्ट करना चाहते हैं, असी अपने हॉस्पिटल नू अडोप्ट करना चाहते हैं कि तुसी साडे पिंड दा स्कूल बना दो वधिया। तो जो तुहानू जिवें तुसी, क्योंकि लोगों नू यकीन बन गया कि हाँ साडा जिहड़ा पैसा है वो जे सरकार नू असी देवांगे तो कितें जाऊगा नहीं, इधर उधर जे 100 रुपया देणगे तो 101 रुपया बना के असी लावांगे। बहुत सारे दुनिया भर के पंजाब ने एक ही स्टेट है जिहड़ी कई जगह पर वसदी है, कनेडा दे विच वैनकूवर पंजाब है, टोरंटो पंजाब है, कैलीफोर्निया पंजाब है, मेलबर्न पंजाब है, लंडन पंजाब है, सिडनी पंजाब है, ऑकलैंड पंजाब है। और सारे जिहड़े ने वह ऐस अपनी जिहड़ी है मदरलैंड वास्ते जान देने नू तैयार ने। सो वह भी साडी हैल्प करनगे, पर असी उन्हां तों यही मंग करांगे कि लीगल तरीके नाल जो भी RBI के थ्रू जो जमी होगा वह भी करांगे, पब्लिक का हिस्सा जरूर पावांगे। उन्हां नू उम्मीद है कि साडे पिंड का स्कूल जे मैं बनाता तो मैनू सुकून मिलेगा, तो इस टाइम करांगे। तो साडे कोल भी बजट हैगा इहदे वास्ते। कल से शुरुआत हो जाएगी, आज हम जा रहे हैं। और 117 स्कूल और 117 मोहल्ला क्लिनिक पहले हर कंस्टिट्यूंसी में एक एक बना के उसका रिव्यू करेंगे। और 5 साल लगेंगे, 5 साल की सरकार मांगी है, ये मत बोल देना कल जाके कि नहीं, कल से शुरू कर देंगे, टाइम आगे बनने में। है जी, सारों को मिलकर समाधान निकालना है, राजनीति नहीं करनी। इसमें केवल दिल्ली और पंजाब की सरकार नहीं, केंद्र सरकार इन्वॉल्व है, हरियाणा सरकार इन्वॉल्व है, पंजाब इन्वॉल्व है, कोर्ट्स इन्वॉल्व है, सबको मिलकर समाधान निकालना पड़ेगा। राजनीति बंद करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक प्रश्न के जवाब में इसका समाधान मिल जाएगा, तो एक प्रश्न के जवाब में तो इसका समाधान नहीं मिल सकता। सबको अच्छी नीयत के साथ बैठना पड़ेगा, समाधान निकालना पड़ेगा, देश के हित के लिए समाधान निकालना। इसको फॉर्मलाइज कर दिया और ये दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बनाए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कहते कहा जा रहा है, और मैंने खुद भी कुछ लोगों को भेजा, इंदौर देश का बहुत खूबसूरत शहर बन गया है, साफ सफाई हो गई है, इंदौर में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी MCD में बीजेपी की सरकार है, उनको भी नॉलेज शेयरिंग करनी चाहिए थी और दिल्ली को भी साफ कर लेते। अगर इंदौर के अंदर अच्छा काम हो रहा है, पूरे देश में होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। कल को अगर हम MCD का चुनाव जीते तो मैं अपने अफसरों को भी और मैं भी खुद इंदौर घूम के आऊंगा और इंदौर के साथ नॉलेज शेयरिंग करेंगे। हम सारे मिलके एक देश की तरह क्यों नहीं काम कर सकते, अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग राज्यों में क्यों बटे हुए हम लोग। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, एक अच्छी प्रैक्टिस है कि नॉलेज शेयरिंग करेंगे, अब सब लोग सीखेंगे इससे। जो कहेगा हम उसके लिए तैयार हैं, जो कहेगा। जैसे अभी आपने अच्छा प्रश्न पूछा, भाई हम तो एक ही पार्टी की सरकार है, हम तो वैसे भी कर लेते, लेकिन अब एक ये डॉक्यूमेंट बन गया, दूसरी पार्टी की भी सरकार मान लीजिए कल आके कहती है, हम कह सकते हैं जी ऐसा नॉलेज शेयरिंग आपसे भी कर लेते हैं, सबके साथ कर सकते हैं।
सबके लिए एक एग्जांपल बन गया, अच्छा एग्जांपल है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो सरकारों के बीच में है, राजनीतिक प्रश्न नहीं होंगे। अब जैसे ये स्कूल हमने दिल्ली में अच्छे करे, ये फिनलैंड गए थे, अब कोई कहे दिल्ली सरकार तो फिनलैंड से चल रही है तो बेवकूफी होगी। ये यूरोप के कई देशों में घूम के आए, ये कई जगह जगह घूम के आए, उससे इन्होंने सीखी नई नई प्रैक्टिसेस सीखी कि एजुकेशन की क्या प्रैक्टिसेस है। कोई कहे दिल्ली की सरकार तो फिनलैंड से चल रही है, इटली से चल रही है, लंदन से चल रही है, तो हमें तो स्कूल अच्छे करने हैं, पंजाब के स्कूल अच्छे करने हैं। दिल्ली के जैसे स्कूल अच्छे होंगे, पंजाब के भी स्कूल अच्छे होंगे तो लोगों की तरक्की होगी। अब स्टालिन साहब आए थे, कोई कहे कि तमिलनाडु की सरकार जो है वो दिल्ली से चल रही है तो थोड़ा सा ज्यादा ही हो जाएगा। मैं पहले भी आता, उनको कहने दीजिए चिंता। उन्होंने कहा, चन्नी जी ने कहा कि नंबर वन पे आ गए हम एजुकेशन सिस्टम में, तो मनीष जी ने कहा क्यों ना देख के आए भी, अच्छा अच्छे स्कूल बन गए पंजाब में। दो स्कूलों में गए, तीसरे स्कूल में जाते समय तब तक एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आ गया था डीओ को कि स्कूल सारे बंद कर दो, किसी दिल्ली वाले को अंदर नहीं घुसने देना। अगर इतने अच्छे हैं तो देखने क्यों नहीं देते भाई? और ये दिल्ली सरकार हमें बुला रही है, देखो कौन सा स्कूल देखना है, कहाँ जाना है, देखो। इसका मतलब उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब उनको पता है अंदर का, अंदर की हालत क्या है, तो इसीलिए उन्होंने बैन ही कर दिया कि मनीष सिसोदिया जी, जब कोई दिल्ली से टीम पंजाब के किसी स्कूल में आ नहीं सकती। हम कहते हैं आज से जब हमारा पहला पायलट प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, स्कूल बन जाएंगे, हम बुलाएंगे उनको, चन्नी साहब को आइए आप देखिए, यही स्कूल है, उनके हल्के में भी तो बनेंगे ना। तो ये सिर्फ उनका जो है गलतफहमी है उनको कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जो कांग्रेस जो है वो 18 सीटों पे सिमट गई है, उनके अपने झगड़े अपनी लड़ाई ठीक कर लें, हम तो लड़ने नहीं आए, हम तो पंजाब को ठीक करने आए। थैंक यू सो मच। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान भी ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि जिन्हें विधानसभा खेत्र है, यानी कि 117 मोहल्ला क्लीनिक्स की शुरुआत की जाएगी, सरकारी स्कूलों में भी सुधार लिया जाएगा दिल्ली की ताश से। यह तस्वीर तुम देख सकते हो, ये एग्रीमेंट साइन करने की तस्वीर ने दिल्ली ते पंजाब सरकार विचाले नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट होया, जिसका मेन फोकस हेल्थ एजुकेशन रहेगा। इस दौरान सीएम भगवंत मान ने दिल्ली विच दित्तियां जा रही सहूलतां दी शलाघा कीती, बीते दिन ही कई सरकारी स्कूलों का, मोहल्ला क्लीनिक्स का दौरा किया, इस तों इलावा हस्पतालों का भी दौरा किया, जिसकी शलाघा करते हुए सीएम मान नजर आए सन। सीएम मान नाल कैबिनेट मंत्री गुरमीत मीथेयर, इस तों इलावा सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला भी मौजूद ने, इन्होंने स्कूलों का जायजा लिया, इस तों इलावा मोहल्ला क्लीनिक्स का जायजा लिया। आम आदमी पार्टी ने सत्ता च आने तो पहला वड्डा दावा किया सी कि पिंडां विच क्लीनिक बनाए जाणगे दिल्ली की तर्ज से, ते इसी तरह दिल्ली मॉडल की तर्ज से स्कूलों का भी विकास किया जाएगा। इसी कड़ी में बीते दिन ही सीएम भगवंत मान दिल्ली पहुंचे, स्कूलों का दौरा किया, जायजा लिया कि किस तरह उत्थे पढ़ाया जाता है, उन्हें टेक्नीक्स दा डिजिटली किवें पढ़ाया जाता है, तो इस दौरान शलाघा भी करते नजर आए। सीएम मान ने बीते दिन कहा कि एजुकेशन का नैक्सट लैवल है, वड्डे वड्डे स्कूल सोच भी नहीं सकते
इस बारे जो इतने लागू कर दिए गए ने। डिजिटल पढ़ाई चल रही है ते एक्स्ट्रा डिजिटल स्कूल बनाए गए ने, जल्द पंजाब च भी इस तरह के स्कूल बनाए जाएंगे ते इंफ्रास्ट्रक्चर भी पंजाब च डेवलप किया जाएगा। सीएम मान इस दौरान कांग्रेस नु भी घेरते हुए नजर आए ते अज ए नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पंजाब सरकार ते दिल्ली सरकार विचाले होया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान साफ तौर ते सीएम मान ते दिल्ली दे सीएम केजरीवाल कहते नजर आए इसका फोकस नॉलेज शेयरिंग ते होगा। जो पंजाब च चंगा है वह दिल्ली च लागू किया जाएगा, जो दिल्ली च चंगा है वह पंजाब च लागू किया जाएगा। ते हेल्थ इस तो अलावा एजुकेशन ये मेन फोकस रहेगा। आम आदमी पार्टी शुरुआत तो ही कहती आ रही है कि साडा मेन फोकस हेल्थ ते एजुकेशन रहेगा। सीएम भगवंत मान का दिल्ली दौरे का अज दूजा दिन है। सरकारी स्कूलों ते मोहल्ला क्लीनिका का उन्होंने बीते दिन भी दौरा किया ते अज एग्रीमेंट होया है दिल्ली सरकार ते पंजाब सरकार विचाले नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट होया है जिसका मेन फोकस सिक्ख्या ते सेहत है। इस बारे जानकारी देंदे भी नजर आए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ते पंजाब के सीएम भगवंत मान। सत्ता विच आउण तो पहला अक्सर जदों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब आउंदे सन तां दिल्ली मॉडल दियां अक्सर गल्लां करदे सन।